कौन सी में प्रोग्राम हुआ था बाबा का? है? है? नेपालगंज में जो पहला पहला प्रोग्राम हुआ था, है? हाँ, यहाँ ईसाई धर्म को खान पान आपको खान पान खाना हूँ कि नहीं होगा ईसाई धर्म वाले खाना खा सकते सब धर्म वालों के यहाँ है किसके लोग हाँ जैसा अन्न वैसा मन बाबा का स्लोगन नहीं पढ़ा कहीं जैसा अन्न वैसा मन जैसा संग वैसा रंग तो आप मन बुद्धि रूपी आत्मा को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं है? अरे अन्न खाएंगे तो वैसा ही मन बनेगा ना नहीं बनेगा है? बनेगा क्रिश्चियन का अन्न खाएंगे तो मन बुद्धि जो क्रिश्चियन जैसी बन जाएगी क्रिश्चियन ने क्या किया हिस्ट्री में भारत के ऊपर आकर के बार बार आक्रमण किए खूब खून खराबा किया दुनिया में विश्व की बादशाही लेने के लिए तो हम भी क्या करेंगे है खूब खून खराबा करेंगे जोर जबरदस्ती करेंगे बलात्कार करेंगे जोर जबरदस्ती माने बलात्कार बलपूर्वक कार्य करना और कराना किसी को स्वेच्छा के आधार पर नहीं चलने देंगे बाबा हमको ऐसा थोड़ी सिखाते बाबा तो सिखाते हैं स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो किसी से अपनी बात जबरदस्ती मत मनवाओ जैसे क्रिश्चियन मुसलमानों ने किया मुसलमानों ने तो और ही तलवार उठाई बोलो ब्राह्मणों से क्या बोला जनेऊ उतारते हो कि नहीं मुसलमान बनते हो कि नहीं उनका नहीं खप सर काट दिया देखने वाले डर गए और जो डर गए वो ढेर के ढेर जो डर गए उन सब ने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया तो अन्न खाना है मुसलमानों के क्रिश्चियन का नहीं खाना है पूछ तो रही थी खाने का दिल तो था क्रिश्चियन है लौकिक संबंधी होने ना है उनको भी कन्वर्ट करो ब्राह्मण बनाओ और है बाबा दादाजी को तो मैं देखा दादा कांस में आके बोलेगा जो उनका प्रोग्राम होगा आप जरा नेपाली भी एक बार बोलिए ये सब लोग समझे हैं ये जल्दी बताते नहीं हमको हाँ बुद्धा दादी को तन में लेखा दादा आएर लेखा दादा का हाथ में आएर बोलने भाई देखिए लेखा दादा ने भन्न पर्थ्य कि बाबा चाहिँ यहाँ हुनुन्न वहाँ हुनुहुन्छ बाबा भन्न पर्थ्य ब्रह्मा बाबा आकर के अगर बोलते हैं तो उनको बता देना चाहिए कि शिव बाबा इस जगह है शिव बाबा इस जगह पे है वहाँ हाँ गुलजार दादी भी नहीं आता है इस जगह के रोशनी इस वक्त कहाँ है बता देना चाहिए बता देना चाहिए वो कहेंगे कि तुम नहीं देखते हो गुलजार दादी का चेहरा मोरा सारा लाल हो गया आंखें एकदम चढ़ गई ऊपर अबेक से स्टेज में तो दिखाई नहीं पड़ता तब क्या कहोगे वो आत्मा ने तो है ब्रह्मा बाबा क्लियर करना चाहिए शिव बाबा पहले जगह पे अच्छा माने ब्रह्मा बाबा क्यों नहीं क्लियर करते वहाँ है अगर ब्रह्मा बाबा की सोल आती है
और ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है वो शंकर में भी प्रवेश करके ज्ञान तो ले रहा है ना, तो यहाँ की बात वहां जाके क्लियर क्यों नहीं करता? और उसका कारण ये है कि ब्रह्मा की सोल साकार चोला तो छोड़ चुकी है, अब उनको मिला है आकारी चोला सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा जब रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश करती है उस समय उसका सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है, बिंदु बन जाती है। क्या जो रुद्रमाला के मणके हैं वो बिंदु रूप स्टेज वाले हैं या सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले हैं? है बिंदु रूप स्टेज धारण करने वाली आत्माएं हैं, पावरफुल आत्माएं, सारी सृष्टि की बीज हैं। तो ब्रह्मा की सोल भी जब प्रवेश करती है तो बिंदु बीज बन जाती है, पावरफुल बन जाती है। क्या ऐसे नहीं कि सूक्ष्म शरीर उनका रह जाता है, सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश करता है? नहीं, वो आत्मा बिंदु रूप स्टेज में आ जाती है और बिंदु रूप स्टेज में जब तक रहती है प्रभाव में तब तक वो पढ़ाई पढ़ती है। फिर क्या होता है, ब्रह्मा की सोल सिर्फ एक में ही प्रवेश कर रही है, बाप दादा एक में ही प्रवेश करते हैं कि बहुत से बच्चों में प्रवेश करके सेवा कर रहे हैं, बहुत से बच्चों में प्रवेश करते हैं। ऐसे तो नहीं कि राम वाली आत्मा में ही उनको प्रवेश करना है और बच्चों में प्रवेश नहीं करते है, नंबरवार सभी बच्चों में प्रवेश करते हैं। बहुत से बच्चे अनुभव करते हैं कि हम तो इस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं सुना सकते थे, लेकिन ऐसे ऐसे पॉइंट हमारे अंदर से निकले कि वो आदमी कन्विंस हो गया, ये ज्ञान तो हमारी बुद्धि में था ही नहीं, ये सब कहां से आया, तो किसने प्रवेश किया? बाप दादा ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाया। हम बच्चे तो तमो प्रधान है, तमो प्रधान, हम सेवा नहीं कर पाते उतनी, कौन सेवा करता है इस समय है, बाप दादा की आत्मा ही सेवा करती है। तो जो बाप दादा है वो एक बच्चे में प्रवेश नहीं करता ब्रह्मा, जो भी नंबर वार रुद्रमाला के मणके हैं उनमें प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है, लेकिन रुद्रमाला के मणके नंबर वार हैं कि एक जैसे हैं? नंबर वार हैं। उन नंबर वार में से राम वाली आत्मा फर्स्ट क्लास है, तो राम वाली आत्मा में प्रवेश करते हैं तो राम वाली आत्मा का संग लगता है, और जब दूसरे धर्म के बीज रूप आत्मा में प्रवेश करेंगे तो उनका संग का रंग लग जाता है। आया समझ में? तो जब कमजोर आत्मा में प्रवेश करते हैं, कमजोर बीजों में प्रवेश करते हैं, ऐसी बीज रूप आत्मा में प्रवेश करते हैं जिनके देह अभिमान का छिलका बहुत मोटा है। कोई बीज होते हैं किसी का पतला छिलका और किसी का मोटा छिलका, कोई में डंडे मारो जल्दी जल्दी छिलका उतर जाएगा, कोई में डंडे आते रहो छिलका उतरता ही नहीं जल्दी, धर्मराज के डंडों से भी जल्दी छिलका नहीं उतरेगा उनका, लंबी लंबी सजाएं खाएंगे। तो ऐसे बच्चों में भी ब्रह्मा की सोल प्रवेश कर रही है कि नहीं कर रही है? है कर रही है। तो उनके संघ का रंग ब्रह्मा की सोल को लगेगा या नहीं लगेगा? है लगेगा। तो जब उनका संघ का रंग लगता है कमजोर बच्चों का, तो मोही बनेंगे या निर्मोही बनेंगे? नष्टो मोहा बनेंगे, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनेंगे या मोही बनेंगे? अच्छा, नष्टो मोहा बनेंगे। कमजोर आत्मा में प्रवेश करने से नष्टो मोहा बना जाता है, है? कमजोर आत्मा में प्रवेश करेंगे तो और ज्यादा कमजोरी आएगी। तो ब्रह्मा की सोल में उन बच्चों के अंदर प्रवेश करने से जो संघ का रंग लगता है, जो कमजोरी आती है, वो कमजोरी उनको फटाक से उधर ही खींच लेती है। कहाँ? बेसिक वालों के पास, अज्ञानी बच्चों के पास, और उनका कल्याण करने के लिए भाग खड़े होते हैं।
तो वहाँ उनके तरह की बात करेंगे या जहाँ ज्ञान सूर्य प्रवेश कर रहा है वो ज्ञान सूर्य की बात करेंगे? है अज्ञानियों के बीच में जाकर के अज्ञानियों जैसी भाषा बोलेंगे या ज्ञानियों जैसी भाषा बोलेंगे? है बोलते तो हैं भगवान की याद में, निराकारी स्टेज तो होती है उनकी, बिंदु की याद में तो बोलते हैं, लेकिन जो कुछ भी बोलते हैं उस बोली हुई बात को वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं समझ पाते पूरा। जैसे भारत के जो भी शास्त्रकार हुए, शास्त्र लिखने वाले, रामायण महाभारत भागवत उनके या गीता उनके श्लोकों का अर्थ आज के विद्वान आचार्य नहीं समझ पा रहे हैं, और भगवान आकर के ब्रह्मा के तन से सारे सार खोल रहे हैं। तो वो जो शास्त्र लिखवाए वो सतोप्रधान बुद्धि से लिखे गए थे या तमोप्रधान बुद्धि से? है उस समय जो द्वापर युग के आदि में शास्त्र लिखे गए वो शास्त्र भी सतोप्रधान थे या तमोप्रधान? सतोप्रधान थे। दुनिया की हर चीज पहले सतोप्रधान होती है। ऐसे ही ब्रह्मा जब बिंदु रूप स्टेज में याद में रह करके गुलजार दादी में प्रवेश करता है तो उस समय सात्विक स्टेज है। वो जो कुछ भी बोलता है वो तो अपने तरीके से बोलता है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं क्लियर करके बोल सकता है जिससे कि सारी बात क्लियर हो जाए एडवांस ज्ञान की। इसलिए आपके प्रश्न का समाधान क्या हुआ कि ब्रह्मा बाबा वहां जाकर के ये बात क्लियर नहीं कर सकते कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ही है, मैं गीता का साकार भगवान नहीं हूं। अगर मैं गीता का साकार भगवान होता तो भगवान भी सूक्ष्म शरीर के बंधन में आता है क्या? आता है? भगवान थोड़े सूक्ष्म शरीर धारण करता है, सूक्ष्म शरीर तो भूत प्रेत आत्माएं धारण करती है। जो ज्यादा पाप करते हैं उनके पाप कर्मों का ज्यादा वजन न चढ़े इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, अकाले मौत हो जाती है। तो ये बात ब्रह्मा की सोल नहीं बता सकती वहां। और बाबा भक्ति मार्ग में आंगनारेश्वर का रूप दिखाते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सीता कौन है? तुम सब सीताएं हो। जब मुरली में बाबा बोलते हैं तुम सब सीताएं हो तो खास करके ना आत्माओं को सामने रख करके बोलते हैं। अरे ब्रह्मा के तन से बोला ना, तो जब ब्रह्मा के तन से बोलते हैं तुम सात सीताएं हो तो जिनको सीताएं बोलते हैं वो अव्वल नंबर की सीताएं सामने होती होंगी या नहीं होती होंगी, इमर्ज करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पहले रुद्रमाला के मणकों को इमर्ज करते हैं कि विजयमाला के मणकों को सामने इमर्ज करते हैं? रुद्रमाला के मणकों को इमर्ज करते हैं, और रुद्रमाला के मणकों में पहला दूसरा नंबर उनके सामने होता होगा कि नहीं होता होगा? है पहला नंबर है राम वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा, और शंकर को सबसे प्यारी नगरी कौन सी प्रसिद्ध है? काशी नगरी। तो वो हो गई उनकी सहयोगी आत्मा। जो काशी नगरी है उसी का नाम शास्त्रों में अनुसुईया रखा गया है। जिस अनुसुईया को तीनों देवताओं ने लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती से भी ज्यादा पवित्र माना और साबित करके भी दिखा दिया। माना रुद्रमाला में अगर सबसे जास्ती पवित्र मणका है, नहीं
सबसे जास्ती अपवित्र मन का है तो कौन है? जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं मुकर्रर रूप से, कौन है? अरे है मुकर्रर रूप से कौन से मणके में प्रवेश करते हैं जो दुनिया का सबसे अपवित्र मणका है? कौन होता है? मैं बड़े से बड़े काम ही कांटे में आकर के बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ, कौन है वो? है प्रजापिता। और प्रजापिता के साथ ही दूसरे नंबर पर कौन बैठा है? हैं? काशी नगरी। शास्त्रों में ये बात प्रसिद्ध है कि शंकर जी को कौन सी नगरी प्रसिद्ध प्यारी है? कौन सी नगरी प्यारी है? काशी नगरी प्यारी है, जिसके लिए गायन है कि जो काशी में जाके मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, काशी में जाके नहीं मरेगा तो स्वर्ग में जीते जी नहीं जाएगा। अगर जीते जी स्वर्ग में जाना है तो काशी में जाके मरे। काशी करवटी भी भक्ति मार्ग में काशी में जाकर के खाते हैं, यादगार भी बनी हुई। और बाबा भी कहते हैं कि जिन जिन भक्तों ने वहां काशी करवट खाई है उनके पूर्वजन्मों के पाप सारे भस्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वही मणके हैं, वही आत्माएं हैं संगम युग में जिन्होंने ऐसा पाठ बजाया था कि जिन्होंने फैसला कर लिया देह अभिमान को त्यागने का कि देह के संबंधियों को भी हम भूल जाएंगे, अब बिल्कुल याद नहीं करेंगे, जाकर के काशी नगरी में बसेंगे। ऐसा भूल जाएंगे कि उनसे फोन से भी बात हमें नहीं करनी पसंद है। क्या फोन भी अगर आएगा तो हाँ हूँ हाँ करके जवाब दे देंगे, ज्यादा लगाव झुकाव साबित होगा ही नहीं, मिलना जुलना भी नहीं, मिलने जुलने की भी इच्छा नहीं। शरीर के लिए पदार्थ भी चाहिए, ये भी देहभान की निशानी है। क्या देहभान की निशानी क्या क्या है? देह के संबंधियों की याद आती है तो देहभान की निशानी है या नहीं है? निशानी है, देह के संबंधी भी याद ना आए, अपनी देह भी याद ना आए। उसका प्रूफ ये है कि जो खिलाएंगे सो खाएंगे, जो पिलाएंगे सो पिएंगे, किसी बात में नू ना न कर नहीं देह के पदार्थों के बारे में। देह के पदार्थों से नष्टो मोहा। तो घूम घूम के देखो सब मिनी मधुबनों में, कहीं ऐसा माहौल है कि जो भी सरेंडर हैंड्स रहते हैं उनको जो खिलाया जाए सो ही खाने के लिए तैयार हो, जो पहनाया जाए वो ही पहनने के लिए तैयार हो। संबंधियों से कोई भी उनका कनेक्शन न हो। काशी नगरी में वो बात मिलेगी। तो ये देह से देह अहंकार से मरना हुआ या नहीं हुआ है? अरे नहा ना ना आंखें फाड़ के रह गए। अरे जवाब तो दो, देह अहंकार से मरना इसी को तो कहते हैं जीते जी मरना। शरीर जिंदा रहे फिर भी कहा जाए नहीं इसने अपने को मार लिया है, किसने प्रश्न किया था? हाँ समाधान हो गया। मतलब जो बाबा जो सम्मान के बारे में बताए थे सम्मान पे, हाँ वो दूसरे नंबर का जो मणका काशी है ना वो ही निमित्त बनता है इस बात के लिए के ब्रह्मा की सोल राम वाली आत्मा में फर्स्ट क्लास प्रवेश करती है। फिर उसके बाद अगर प्रैक्टिकल रूप में भी तो चाहिए,
राम वाली आत्मा तो गाल बजाने वाली शंकर वाली आत्मा हो गई। ज्ञान सुनते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, ज्ञान समझते रहो और ज्ञान समझाते रहो, सब प्रश्नों के जवाब देते रहो, समझाते रहो, मर जाओ समझाते समझाते। रावण के सिर काटते काटते, रावण के सिर काटते थे फिर क्या होता था, काटा हो वो फिर न फिर नहीं सर, एक प्रश्न का जवाब दो, एक प्रश्न के पीछे ढेर प्रश्न, कहाँ तक जवाब दोगे। तो ये प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हुआ, प्रैक्टिकल ज्ञान रुद्रमाला के मण के जो है सब तरह के बीज हैं उसमें, तो कोई ऐसा बीज भी तो होगा जो प्रैक्टिकल जीवन वाला हो, कि मुंह का ही बक्का लगाने वाला होगा सब रुद्रमाला के मण के। जब सारी दुनिया के बीज हैं तो ऐसा भी तो बीज होगा जो प्रैक्टिकल जीवन में धारणा करने वाला हो, वो दूसरे नंबर का मणका। लेकिन वो पुरुष चोला नहीं हो सकता, क्या कौन सा चोला होगा, स्त्री चोला होगा, वो भी उसका भी कारण एक ही हो सकता है। जैसे शंकर के लिए विश्व पिता कहा जाता है, एक ही आधार पर विश्व की बात सही लेता है, कौन सा आधार है जिसके आधार पर विश्व की बात सही लेता है, हैं? याद बल। तो दूसरे मणके में भी कौन सी ताकत ज्यादा होगी, याद का बल ही उसमें भी ज्यादा होगा। योग बल से ही वो जो कुछ भी प्राप्ति करती है वो आत्मा, योग बल से विशेष प्राप्ति करती है। किसी फील्ड में किसी को देखने में नहीं आएगी, किसी मधुबन में जाओ चक्कर लगाया हो जाके देखने में नहीं आएगी कि सेवा कर रही है, तो सेवा भी देखने में नहीं आती। धारणा तो जब तक सामने कोई आए नहीं तो धारणा देखने की चीज नहीं है, और ज्ञान भी नहीं सुनाने वाली बात। ज्ञान तो सुनाया जाए तभी तो पता चलेगा ज्ञानी है ज्ञानी है। बहुतों को साप्ताहिक कोर्स दे, बहुतों को संदेश दे तो पता चले कि ज्ञानी है। तो पार्ट ही है धारणा करने का, याद का पार्ट है। हाँ, और मिनी मदनों में 2 बजे की 3 बजे की याद पक्की नहीं होगी, लेकिन जहां काशी नगरी होगी वहां पूरे संगठन में 2-3 बजे की याद पक्की होगी। अमृत बेला कच्चा नहीं हो सकता, नंबरवार तो होंगे, क्या संगठन है तो नंबरवार होंगे या नहीं होंगे, नंबरवार तो होंगे। तो ऐसे संगठन से अष्टदेव निकलते हैं, वो अष्टदेव और वंशों के होंगे या सूर्यवंश के होंगे, हाँ जरूर सूर्यवंश के होंगे, सूर्यवंशी ही 16 कला संपूर्ण होते हैं, और वंश वाले तो कम कलाओं वाले होते हैं। कम कलाओं वालों को देवता कहेंगे पक्का नहीं, इसलिए जो बाप दादा कहा जाता है वो ही 2 आत्माएं हैं, शंकर और शंकर की प्यारी नगरी। ये अर्धनारीश्वर का प्रैक्टिकल रूप हो गया, नहीं तो इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार एडवांस का सारे भारत में और विदेशों में भी कुछ न कुछ फैला हुआ है। इनकी पालना बिना माता के हो सकती है क्या, दुनिया में कोई ऐसा परिवार हुआ है जो माता के बगैर पाला जा सके, हैं? हैं? अरे भारतवर्ष में तो एक स्त्री मरती है फटा, 2-4 बच्चे अगर घर में है तो फटा से दूसरी शादी करते, चिंता लग जाती है, माथा गर्म हो जाता है, इनकी पालना कैसे करें, रोज सच्ची पेशाब कर रहे हैं, बैठ मर जा करके, मेरे से नहीं होगा। परिवार की पालना कोई बाप करता है क्या, करता है नहीं करता,
तो बाप का बस नहीं है जो परिवार में बच्चों की पालना करे। जरूर कोई प्रैक्टिकल माता है, माता के रूप में पार्ट बजाने वाली निमित्त तो कोई शक्ति है जो इतने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सारा प्रबंध करने के लिए निमित्त बनी हुई है। भक्ति मार्ग में पूजा करने का टाइम में भक्ति मार्ग में ना पूजा जो करते हैं तो उन्होंने पहला गणेश का क्यों करते हैं? जो पूजा करते हैं और पूजा करने वालों में भी भक्त जो हैं वो एक प्रकार के होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं? है, पूजा करने वाले भक्त तो अनेक प्रकार के होते हैं। ऐसे पूजा करने वाले भी थे भारतवर्ष में जो गणेश और हनुमान जैसे जानवर बुद्धियों की पूजा नहीं करते थे, जिनका जानवर का चेहरा था, जानवर का रूप रंग था, जानवर जैसी सूरत थी, उनकी पूजा नहीं करते थे। उन्होंने सैकड़ों साल अब भी विचारी पूजा की है, एक शिव की पूजा की है। द्वापर के आदमी किसकी पूजा होती थी? पूजा जब सतो प्रधान थी तो सीढ़ी के चित्र में देखो ध्यान से, सतो प्रधान जब पूजा थी तो एक की पूजा होती थी या अनेकों की पूजा होती थी? एक की होती थी। बाद में जब रजो प्रधान बने द्वापर युग में ही, तो राम सीता की भी पूजा करने लगे, हर राधा कृष्ण की भी पूजा करने लगे, तो रजो प्रधान पूजा हो गई। और जैसे ही कलयुग शुरू हुआ, तामसी युग, तामसी पूजा शुरू हो गई, जानवरों की भी पूजा करने लगे, जानवरों को भी भगवान मान लिया। ये जानवर पहले या मनुष्य पहले या देवता पहले या भगवान पहले? पहले कौन है? भगवान है सबसे पहले, वो संगम युग में होता है। भगवान के कंट्रोल में सारी दुनिया को चलना पड़ता है, उसे कहते हैं ईश्वर है। ईश माने शासन करने वाला, वर माने श्रेष्ठ है, जिसने दुनिया में सबसे श्रेष्ठ शासन करके दिखाया। मारा पीटा नहीं, लाल लाल आंखें नहीं दिखाई, खून खराबा नहीं किया, सिर्फ ज्ञान सुना करके सारी दुनिया को कन्वर्ट किया, वो ईश्वर हुआ सबसे ऊंचा शासक। उसके बाद किसका नंबर आया? सत्ययुग में किसने शासन किया? देवताओं ने शासन किया, वो 16 कला संपूर्ण होते हैं। फिर त्रेता में सैमी देवताओं ने शासन किया, कम कला वाले देवताओं ने शासन किया। फिर द्वापर शुरू हुआ, द्वापर में जो शासन करने वाले थे वो मनुष्य थे या उससे भी नीची कैटेगरी के थे, क्योंकि मनुष्य अच्छी धारणाएं करता है तो देवता कहा जाता है। जो देवताएं होती हैं वो भी तो मनुष्य ही होते हैं, उनकी सूरत मनुष्य की होती है या जानवरों की होती है? हैं, मनुष्यों की होती है। लेकिन द्वापर युग से क्या होता है? सभी मनुष्य होते हैं कि द्वापर युग के आदि में कोई मनुष्य से देवता वो राक्षस भी बन जानवर ही बन जाते हैं। अरे द्वापर के आदि में जब द्वैतवादी शासन शुरू हुआ संसार में, तो सभी मनुष्य थे, मन का उपयोग करके काम करते थे, वाचा बोलते थे कि जानवर जैसे भी थे, जानवर जैसे भी पैदा हो जाते हैं। तो जो त्रेता के अंत में द्वापर के शुरुआत में पैदा होते हैं वो किससे पैदा हुए? वो राक्षस किससे पैदा हुए? राक्षस कहो जानवर कहो बात एक ही है, वो पैदाइश किसकी है?
है? अरे उन्हीं मनुष्य रूपी देवताओं की पैदाइश है, इसलिए पक्का समझ लो कि भगवान बाप ज्योति बिंदु निराकार जो शिव है वो आता है शंकर में। शंकर बड़े ते बड़ा देवता है और वो मनुष्यों में भी बड़े ते बड़ा मनुष्य है कि नहीं? मनुष्य वो जो मन चलाए, मन का उपयोग न करे तो वो मनुष्य नहीं। तो सबसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन का निमित्त कौन बनता है? शंकर है। मनन चिंतन मंथन का निमित्त बनता है वो। अव्वल नंबर का मनुष्य भी हुआ ना। चलो देवता नहीं, मनुष्य तो हुआ। तो जब तक मनन चिंतन मंथन करता है तब तक मनुष्य है। और कोई काम करने से पहले मनन चिंतन मंथन करना ही अगर बंद कर दे, धड़ाक से गुस्सा आया और फार से डिस्ट्रैक्शन कर दिया, तो मनुष्य हुआ या जानवर हुआ? तो जानवर कहा जाता है। तो ईश्वर जो सुप्रीम सोल है उसने पैदाइश की किसकी? देवताओं की। और देवताएं जब कलाहीन बनते हैं, नीची कलाएं गिरती, आठ कलाएं कम हो जाती हैं, तो बन जाते हैं मनुष्य। उन मनुष्य को आदमी कहा जाता है। उन मनुष्यों से फिर पैदाइश हुई है जानवरों की। क्या बाप की पीढ़ी ऊंची या जो बच्चे पैदा होते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो श्रेष्ठ मेंटेलिटी वाले होते हैं। जो पहली पहली पीढ़ी के होते हैं वो ऊंचे होते हैं और जो नीची पीढ़ी के होते हैं वो निष्कष्ट होते हैं। तो मनुष्यों से जिसकी पैदाइश हुई, मान लो राम वाली आत्मा ही है, तो उसके जो बच्चे दिखाए जाते हैं वो बाप से लड़ाई लड़ने वाले होने चाहिए या बाप की आज्ञा को फॉलो करने वाले होने चाहिए? आपकी आज्ञा को फॉलो करना। लेकिन शास्त्र में क्या दिखाया है? लड़ाई लड़ी है। किसने? लव और कुश नाम दिया है ना। वो माता के पुजारी थे या बाप को भी मानते थे? है माता के पुजारी। मुरली में तो बोला है जो माता के पुजारी है वो है रावण संप्रदाय, राक्षस दैत्य हैं वो। वो मनुष्य नहीं है क्या? तो राक्षस कहो जानवर कहो बात एक ही हो गई। इसलिए त्रेता के अंत में राम वाली आत्मा के जो बच्चे हैं वो दिखाए जाते हैं लव और कुश, जो बाप से भी लड़ाई लड़ते हैं, वो जानवर जैसे हैं। चलो राम की बात छोड़ दो, वो तो रामायण की बात हो गई। बाबा कहते रामायण में तो वो है, उपन्यास है, कलयुग में लिखी गई। अच्छा द्वापर के शास्त्रों की बात लो, शंकर जी के बच्चों का नाम क्या है? है कार्तिकेय बड़ा बच्चा और गणेश छोटा बच्चा। सूरत कौन सी दिखाई गई है? सूरत मनुष्यों की दिखाई गई है या बिगड़ गई है सूरत? है बिगड़ गई। जो बड़ा बच्चा है उसके छह मुंह। अरे रावण 10 मुख से बात करता है, 10 तरह की बातें करता है, तो छह मुंह वाला कितने तरह की बातें करेगा? 6 धर्मों की बात करेगा। इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सन्यास धर्म, मुस्लिम धर्म और उसके बाद सिख धर्म। ये ऐसे धर्म हैं जो अच्छी आस्था वाले हैं, लेकिन विधर्मी हैं, विदेशी हैं या स्वधर्मी और स्वदेशी हैं?
क्या है? विधर्मी है, विपरीत धर्म वाले हैं, और विदेशी है, विपरीत देश वाले हैं। ये भारत के पक्के नहीं है, इसलिए ये जानवर हैं रावण संप्रदाय वाले। इसलिए जो कार्तिकेय है वो छह मुंह वाला दिखाया गया है। कार्तिकेय जो बड़ा बच्चा है शंकर जी का, शंकर जी प्रवृत्ति मार्ग वाले थे या निवृत्ति मार्ग वाले है? जोर से नहीं बोलते है, प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। और उनका बड़ा बच्चा कौन से मार्ग को फॉलो करने वाला बना? निवृत्ति मार्ग का सन्यासी बन गया। तो सन्यासी जानवर होते हैं या मनुष्य होते हैं? मनुष्य हैं। गड्ढे में ले गए दुनिया को या ऊंचा ले गए? गड्ढे में ले गए सारी दुनिया को। सन्यासी जो अपने बाप को फॉलो नहीं करते, जो अपनी घरवाली की कदर नहीं करते, नारी नरक का द्वार कहते हैं और भागते हैं, तो कभी भी संसार का उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए वो राज्य भी कहाँ करते हैं जाकर मालूम है? कार्तिकेय ने उत्तर भारत में राज्य नहीं किया, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया, कहाँ जाके किया? दक्षिण भारत में, जहाँ विदेशी रहते हैं। ये छऊ धर्म वाले विदेशी हैं या स्वदेशी हैं? हैं विदेशी हैं। इसलिए बाबा ने मुरली में बोला, भारत जो है दक्षिण भारत वो भारत का विदेश है, बाकी भाषा भी अलग, बाकी रीति रिसा रिवाज रसम रिवाज भी अलग। जैसे मुसलमानों में आदि में सगे भाई बहनों में शादियां होती थी, ऐसे वहां भी अभी रसम रिवाज है, मामा की लड़की से शादी कर लो, चाचा की लड़की से शादी कर लो, उसको बुरा नहीं मानते। ये भाई बहन में शादी ये जानवर करते हैं या मनुष्य करते हैं? जानवर करते हैं। अब वो कार्तिकेय, चलो वो तो सन्यासी होगा, उनकी बात छोड़ दो। अब गणेश जी, गणेश जी तो प्रवृत्ति मार्ग वाले थे कि निवृत्ति मार्ग वाले थे? है प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, लेकिन विदेशी भी प्रवृत्ति मार्ग में रहते तो हैं, बाल बच्चे पैदा करते तो हैं, लेकिन एक पत्नी बनाते हैं कि अनेक पत्नियां बनाते हैं? है अनेक पत्नियां बनाते। गणेश जी ने भी क्या किया? अरे प्रवृत्ति मार्ग वाले तो हुए, लेकिन जो प्रवृत्ति है वो मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रवृत्ति है या भ्रष्ट मार्ग की प्रवृत्ति है? है जानवर क्या करते हैं? एक पत्नी जिंदगी में बनाते हैं कि अनेकों पत्नियां बनाते हैं? है अनेक पत्नियां बनाते हैं। वो हाथी जैसा समझदार जानवर ही क्यों ना हो, वो भी जिंदगी में अनेक पत्नियां बनाएगा। तो गणेश जी को हाथी का मुंह दिखा दिया है, तो बड़े विद्वान, माथा तो बहुत चौड़ा है, क्या हाथों में वेद शास्त्र भी दिखाते हैं, बड़े होशियार भी हैं, ज्ञानी भी हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, रावण भी कैसा था, ज्ञानियों में अग्र माना जाता था। राम ने भी जब सागर पार किया ना, तो रावण को निमंत्रण दिया, आकर के हमारा यज्ञ संपन्न कराओ, हम तुमको पुराहे पुरोहित ब्राह्मण मान के तुम्हारे पांव छुएंगे। रावण इतना ज्ञानी था, तो गणेश जी हैं, इनके हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, लेकिन माँ बाप को फॉलो करने वाले हैं या माँ बाप के विपरीत आचरण करने वाले हैं? विपरीत आचरण किया नहीं, तो उनको माँ बाप के साथ रहना चाहिए, माँ बाप के परिवार में रहना चाहिए, एक परिवार बना करके रहना चाहिए,
जैसे भारत की परंपरा है। अभी भी बाबा भारत के सनातन धर्म के जो परिवार हैं उनकी कितनी महिमा करते हैं कि देवी देवता सनातन धर्म प्राय लोप हुआ है, पूरा लोप नहीं हुआ। अभी भी भारतवर्ष में ऐसे ऐसे परिवार हैं जहां एक ही मुखिया है, ढेर सारे बच्चे हैं और उनकी ढेर सारी पत्नियां हैं, एक एक बच्चे की अपनी अपनी बीवी है, दो शादियां किसी को नहीं है, एक ही बीवी है, एक ही पत्नी है और सब बड़े मिलजुल करके प्यार से एक चूल्हे पर खाना खाते हैं। इसको कहते हैं देवी देवता सनातन धर्म का पक्का परिवार, एक राजा, एक धर्म, एक सत्ता, एक कुल, एक भाषा, एक मत। ऐसे परिवार भारत में देखने में आवेंगे। अभी भी देवी देवता सनातन धर्म लोप नहीं हुआ है कि नहीं? अभी भी है, देखने में नहीं आता लोगों को कि बहुत विरले है ना। गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी को क्या करना चाहिए था? माँ बाप के साथ रहना चाहिए था कि अपनी ढपली अलग बजा रहे हैं जाकर के? अलग जवाब, क्योंकि उन्हें ज्यादा विकार भोगने थे। जानवर हैं, जानवर क्या करते हैं? ज्यादा विकार भोगते हैं, कम भोगते हैं? ज्यादा विकार भोगते हैं। तो उन्होंने अपनी अलग घर बसा लिया, गणेश लोक ही अलग कर दिया। और गणेश जी अम्मा के भगत ज्यादा थे कि बप्पा के भगत ज्यादा थे? अम्मा के भगत ज्यादा। जो अम्मा की भगत ही ज्यादा करे और बाप की परवाह न करे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो असुर हैं या देवता हैं? असुर है। आपका प्रश्न क्या था? नहीं था क्या प्रश्न? क्या था? गणेश की पूजा इसलिए होती है कि पूजा करने वाले तो भगत होते हैं। जो भगत होंगे वो तो भगत ही करेंगे क्या? तो भक्त शिरोमणियों में गणेश जी आगे हैं। जो भक्ति करने का काम है वो गणेश जी का आगे, बाकी ज्ञानी जो है वो कुकर ज्ञानी कहो, श्रेष्ठ ज्ञानी नहीं है। श्रेष्ठ ज्ञानी जो होते हैं वो आचरण में माँ बाप को फॉलो करते हैं। इसलिए जानवर का चेहरा दिखाया गया है। बम्बई वाले लड़ाई लड़ेंगे क्या? बम्बई में गणेश जी की पूजा बहुत होती है। और बाबा अभी जो ये पति जो वृंदा पति पत्नी, तो जब तक पति पत्नी थी जलंधर को कहा जा रहा है, पतिव्रत भंग कैसे हुआ? जो वृंदा था वो वृंदा वास्तव में तुलसी का रूप है, ये बात शायद आप नहीं जानते हो। वृंदा जो है वो तुलसी का रूप है। तुलसी की एक खासियत है कि तुलसी का पत्र जब तक भगवान को भोग नहीं लगाया जाएगा तब तक भगवान का भोग पूरा नहीं होता है। भगवान को जब भोग लगाएंगे तो क्या करेंगे? तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। माने हमारे ब्राह्मण परिवार में एडवांस में कोई एक ऐसा पत्ता रूपी आत्मा है, वो जब तक भगवान के सामने प्रैक्टिकल जीवन में खुद सरेंडर न हो, भोग न लगाए भगवान को। लोग तो समझते हैं भगवान ने हद का लड्डू पेड़ा और पूरी हलवा खाने आया होगा। अरे भगवान विकारों का भोग लगाने आता है या कि लड्डू पेड़ा खाने आता है? हैं? विकारों का भोग लगाने आता है। भगवान को भोग लगाएंगे पर्दा डाल देंगे। अरे पर्दा डालने की क्या जरूरत है? तो भगवान को जब भोग लगाया तो किसने पहले लगाया?
किसने अपने को तन मन धन से सरेंडर किया? अरे कोई पहले करेगा तब तो उसके पीछे पीछे ढेर सारे चलेंगे। किसने सरेंडर किया है? जगदम्बा ने, वही तुलसी है। उसके दो रूप हैं, एक काली और एक महाकाली। क्या? एक है काली तुलसी और एक है गोरी तुलसी, माने हरी तुलसी। हरित तुलसी जो है वो घर गृहस्थ में ही रखी जाती है, पूजी जाती है। क्या माने? जगदम्बा का जीवन चरित्र सारा देखा जाए, अरे भगवान के घर में अगर नहीं पल पाएगी तो जहां भी रहेगी वो घर गृहस्थ में ही रहेगी, कांटों के जंगल में जाके नहीं रहेगी सन्यासियों की तरह। लेकिन काली तुलसी, काली तुलसी घर गृहस्थ में नहीं पनपती है ज्यादा, ओ जंगल में ही पनपेगी, फलेगी फूलेगी, उसका पौधा सरसब्ज होगा। कहाँ की यादगार? अभी की यादगार महाकाली। वो अभी भी आत्मा कांटों के जंगल में पल रही है। सरेंडर सबसे पहले होती है, जगदम्बा से भी पहले, लेकिन निभाती बिल्कुल नहीं। तो निभाने वाले से ऊंचा पद बनता है या सरेंडर होने से ऊंचा पद बनता है? है, निभाने से ऊंचा पद बनता है। तो ये दो तुलसी मानी गई है, उनमें एक वृंदा का नाम है। वृंदा भी तुलसी है, तुलसी का अवतार है। तो जैसे तुलसी है घर गृहस्थ आंगन में पूजी जाती है, लेकिन क्या कमरे के अंदर भी रखी जाती है? आंगन में रखी जाएगी। दास दासियां आंगन में बैठेंगी या बेडरूम में बैठेंगी? आंगन में बैठती। तो तुलसी का पार्ट या जगदम्बा का पार्ट या काली महाकाली का पार्ट, कुछ जीवन में ऐसी गलती हो गई जिस गलती के कारण दास दासी बनना पड़ता है। जो राजाओं महाराजाओं के यहाँ राजमाता थी और राजलक्ष्मी बाजू में बैठती है, तो जो माता होती है राजमाता, राजलक्ष्मी जिसके नजदीक बैठती है, उस राजा की टट्टी पेशाब साफ कौन किया? राजमाता ने साफ किया। तो दास दासी का काम किया या नहीं किया? है? किया। ये हिसाब किताब है। माँ बाप ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। जहां जीत वहां जन्म। बच्चा आकर के कोई माँ बाप के घर में जन्म लेता है तो जरूर उन माँ बाप के पूर्व जन्म में जीत पाई है कर्मों पर, तब वो बच्चा आकर के माँ बाप के घर में जन्म लेता है। टट्टी पेटाब साफ करो बच्चे। माँ बाप दास दासी होते हैं कि नहीं? है? होते हैं। फर्स्ट क्लास दास दासी तो माँ बाप होते हैं। बच्चों का पालन पोषण करें, टट्टी पेशाब साफ करें, पढ़ाएं लिखाएं, जीवन भर कमाएं, कमाने के बाद सारे जीवन की कमाई बच्चों को सौंप देते हैं। इतने बढ़िया दास दासी कहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और दादा, हाँ, गोमा गोबर से उत्पन्न हुआ देखा था है क्यों? गोमा गोबर से उत्पन्न, गोमा क्या होता है? गोबर से उत्पन्न किताब है, प्रस्थानी किताब है ना? प्रस्थानी किताब, प्रस्थानी किताब है, गीता किताब है, गीता किताब। गोमा गोबर से उत्पन्न हुआ देखा था है। ये गोमा क्या होता है? शिवदत्त ब्राह्मण की कथा है ना? है शिवदत्त ब्राह्मण का, शिवदत्त ब्राह्मण की कथा है। क्या कथा है? 7 वर्ष की ब्राह्मणी को 70 वर्ष का शिवदत्त ब्राह्मण शादी करता है। गोबर से उत्पन्न हुआ दिखाते कथा कहानियों में आया है।
कथा कहानियों में आया है कि जो गोबर से उत्पन्न हुई कन्या है, हाँ, गोबर से उत्पन्न हुई कन्या है, उससे उत्पन्न हुई कन्या से किसकी शादी हुई? सत्तर शिव शर्मा, शिव शर्मा। ओह, वो शिव जी महाराज हैं। भक्ति मार्ग में एक गायन और है, 12 वर्ष की पार्वती, 80 साल के भोलानाथ, ये कोई दूसरे नहीं है। क्या जगदम्बा ही उनकी अम्मा है? क्या जगदम्बा है कामधेनु गऊ? क्या जगदम्बा क्या है? कामधेनु गऊ है। जो कामधेनु गऊ है उसका गोबर निकलता है। वर, वर माने श्रेष्ठ है। उस गोबर का भी नाम क्या हुआ? गोवर। उससे जो गोबर निकलता है उससे घर की शुद्धिकरण किया जाता है, किया जाता कि नहीं? तो भक्ति मार्ग के हिसाब से, ज्ञान मार्ग के हिसाब से गोबर भी अच्छी चीज होनी चाहिए या खराब चीज है? अच्छी चीज है। जो बड़े बड़े वैद्य होते हैं ना, वो पंचगव्य बनाते हैं। जो मरीज होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां जिनकी ठीक नहीं होती हैं, उनके लिए पंचगव्य तैयार करते हैं। गाय का गोबर भी चाहिए उसमें, गाय का मूत्र भी चाहिए। क्या ये दोनों चीजें चाहिए, और फिर शहद भी चाहिए और दूध दही भी चाहिए, उसको कहते हैं पंचगव्य। तो वो गोबर की बात है। वो कैसे पैदा हुई कन्या? गोबर से पैदा हुई। माने बाबा विकारों की लैटरिन कहते हैं कि नहीं? क्या जैसे लैटरिन है, लैटरिन जाने के बाद नहाना जरूरी है कि नहीं? ऐसे 63 जन्म विकारों में गए, तो विकारों के बाद जो लैटरिन की है, उस लैटरिन जाने के बाद अब नहाना जरूरी है कि नहीं? है ऐसे ही ये जो जगदम्बा गऊ है, उस जगदम्बा गऊ की लैटरिन से जो पैदाइश हुई है, क्या कीचड़ में अच्छी पैदाइश नहीं होती है? है, होती है। कीचड़ में क्या पैदा होता है? कमल फूल पैदा हो सकता है। तो गाय का गोबर कीचड़ से अच्छा है या खराब है? है, अच्छी चीज है ना। कीचड़ से तो कमल फूल पैदा होता है। जो विष्णु का चित्र है उसमें बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में क्या दिखाया है? है, कमल फूल। वो किसकी यादगार है? कौन से जीवन चरित्र की यादगार है? जगदम्बा के जीवन चरित्र की यादगार है कि वो जगदम्बा अभी ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में नहीं है। कहाँ पल रही है? कीचड़ की घरग्रस्त की दुनिया में पल रही है। कीचड़ में से वो कमल का फूल संसार में प्रत्यक्ष होगा। उसका जीवन चरित्र ऐसा है कि कीचड़ में रहते हुए भी बुद्धि महाकाली की कहाँ लगी हुई है? महाकाली के पुराने चित्र देखो, पुरानी मूर्तियां देखो, मस्तक में शंकर का चित्र रखा हुआ है। किस बात की यादगार है? कीचड़ की दुनिया में, लेकिन बुद्धि कहाँ रखी है? हैं, हैं? शंकर जी के साथ रखी हुई है। तो कमल का फूल का पार्ट हुआ ना, तो कामधेनु गऊ कमल का फूल जैसा हो गया। कीचड़ की दुनिया में है तो भी कमल का फूल जैसा है, और उस कामधेनु गऊ से गोबर पैदा होता है। गोबर की तो इतनी प्रतिष्ठा है, कीचड़ की इतनी प्रतिष्ठा नहीं है, गोबर की प्रतिष्ठा है। उस गोबर से वो कन्या पैदा होती है। कौन सी कन्या है? गोमा। कितने देवताएं हैं जिनकी अम्मा कही जाती है जगदम्बा रूपी कामधेनु?
अरे जगदम्बा रूपी कामधेनु 33 करोड़ देवताओं की अम्मा है कि नहीं है ना? उनमें अव्वल नंबर देवता पवित्रता को पालन करने वाली आत्मा कौन है? अरे 33 करोड़ देवताओं में कोई अव्वल नंबर पवित्रता को पालन करने वाली कोई आत्मा है या नहीं? है। कौन है? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी की पैदाइश कहाँ से होती है? कौन ज्ञान देगा उसे? जगदम्बा से ज्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में। ओ, तुम्हारी जो बेसिक नॉलेज में जिनमें भगवान आते हैं बताते हैं उनका नाम क्या है? गुलजार दादी। गुलजार दादी के सामने वो जगदम्बा का पार्ट बजाने वाला व्यक्तित्व अगर पहुंच जाए तो गुलजार दादी आधा घंटा तक तो सुनती है और फिर माथा पकड़ करके अंदर कमरे में चली जाती है। मेरे माथे में दर्द हो गया ये ज्ञान सुन करके। तो बेसिक नॉलेज की दीदी दादियां जो ज्ञान सुन ही नहीं सकती, उनकी माथे में बैठता ही नहीं, वो ज्ञान देने वाली वो गौ माता है। तो बेसिक में से जब विजय माला का आवाहन किया जाए भारतीय परिवार में, बहू आती है तो उस बहू को सबसे ज्यादा गुरु बन करके कौन बैठता है? घड़ी घड़ी डायरेक्शन देता रहता है, कौन है? सासू की, वही राजमाता। तो गौ माँ हो गई, उसकी माँ कौन हो गई? गौ। इसलिए गौ माँ कितने साल की होती है? 7 साल की होती है। कथा कहानियां हैं कहाँ की? है संगम युग की कथा कहानियां हैं। और जनावर है दुखी क्यों है? क्या संसार में जंतु जनावर जो है वो दुखी क्यों है? संसार में जंतु जनावर लोग जनावर है वो दुखी है? मनुष्य दुखी नहीं है। मनुष्य ज्यादा दुखी है या जानवर कीड़े मकोड़े ज्यादा दुखी है? ज्यादा इंद्रियां होती हैं तो ज्यादा सुख भोग सकते हैं कि नहीं? देखो कान है, अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिले, धुन सुनने को मिले, मजा आ जाता है कि नहीं? है तो कान की इंद्री से सुख मिलता है ना? है नाक है, बढ़िया बढ़िया सुगंध आ जाए इत्रों की फूलों की। जैसे दुनिया में कोई एक ऐसी रोड भी हो जिस रोड पर रात की रानी सारी रात खेल रही है, उस रोड पर कोई चक्कर लगाने जाए तो कैसी सुगंध आएगी सारी रोड पर? है रात की रानी की गमक आएगी कि नहीं आएगी? किसी ने सूंघी है? नहीं सुनी? सूंघी। तो नाक से सुगंध की खुशबू आती है, सुख लिया जाता है। ऐसे ही जितनी भी 9 इंद्रियां हैं, 9 इंद्रियों से सुख भोगा जाता है कि नहीं? है भोगा जाता है। सबसे ज्यादा इंद्रियां मनुष्यों को हैं या जानवरों को या पशु पक्षियों को कीड़े मकोड़ों को? तो मनुष्य ज्यादा सुख भोगता है कि दूसरे प्राणी ज्यादा सुख भोगते हैं? कौन भोगता है? दूसरी तरफ क्यों देखते हैं? आप खुद बताओ ना। अरे मनुष्य को ज्यादा इंद्रियां हैं तो ज्यादा सुख भोगता है, और कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षी उनको कम इंद्रियां हैं तो कम सुख भोगेंगे। जो ज्यादा सुख भोगता है इंद्रियों से, उन्हीं इंद्रियों से ज्यादा दुख भी मिलता है, मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? मिलता है। जितनी ज्यादा इंद्रियां उतना ज्यादा दुख भी हो सकता है, होता है कि नहीं? देवताओं को भी 9 इंद्रियां, मनुष्यों को भी 9 इंद्रियां। देवताएं इतना सुखी हो सकते हैं और मनुष्य आज इतने दुखी है? तो ऐसा नहीं है कि जानवर ज्यादा दुखी होते हैं। क्या
आपको जानवरों पर बहुत दया आ रही है क्या? जन्म जन्मांतर जानवरों कीड़े मकोड़ों की अम्मा बने हैं क्या? हैं? किसके ऊपर दया आनी चाहिए पहले, अपनी जाति वालों के ऊपर कि दूसरे की जाति के ऊपर? अपनी जाति के ऊपर पहले दया आनी चाहिए। अरे बंदर हैं, बंदर आपस में लड़ते हों और कोई दूसरा जानवर आ जाए कुत्ता बत्ता और को किसी बंदर के बच्चे को पकड़ ले तो सारे बंदर जो आपस में लड़ रहे थे वो क्या करेंगे? हैं? हैं? आपस में जो लड़ रहे थे बंदर वो क्या करेंगे उस कुत्ते की हरकत को देख करके? अरे कुछ करेंगे कि नहीं, क्या करेंगे? और सारे ही बंदर मिल करके एक हो जाएंगे और कुत्ते के ऊपर हमला कर देंगे। दूसरी जाति की कल्याण नहीं देखते हैं, क्या करते हैं? पहले अपनी जाति का कल्याण देखा जाता है। ये जातिवाद खराब खराब लोग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये परंपरा से चला आया है, ये यहाँ की बात है। अपनी जाति का पहले कल्याण जिसने नहीं किया वो विश्व का कल्याण क्या करेगा? अपने बच्चों का ही जो कल्याण नहीं कर सकता है वो दुनिया का कल्याण क्या करेगा? आप जानवरों के बारे में सोच करके जानवरों को कीड़े मकोड़ों को स्वर्ग में भेजेंगे? भेजेंगे? तरीका है आपके पास? नहीं? किसी ने पूछा भक्त लोग मंदिर में जाके फल क्यों चढ़ाते हैं? क्या मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में फल फूल चढ़ाते हैं ना, तो फल फूल पत्थर क्यों चढ़ाते हैं? है किसी के पास जवाब? है फल ही खाते थे? नहीं ये बात नहीं, फल खाते थे तो जानवर भी फल खाते हैं पहले, पहले जानवर भी तो फल ही खाते, फल नहीं खाते थे? बहुत से जानवर हैं बंदर अंदर फल ही तो खाते थे, ये कोई जवाब नहीं हुआ। क्योंकि संगम युग में इस समय जो ब्राह्मण हैं वो ब्राह्मण क्या करते हैं? हैं? मान लो शिव बाबा की प्रत्यक्षता संसार में जब होती है, शिव बाबा शंकर के द्वारा शिव शंकर भोलेनाथ की प्रत्यक्षता होती है ना, तो लोग क्या करेंगे? प्रत्यक्षता होने से पहले से ही उनके ऊपर फल, उनके ऊपर पत्र, उनके ऊपर फूल चढ़ाना शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये चैतन्य फल फूल पत्र हैं या जड़ फल फूल पत्रों की बात है? चैतन्य फल फूल पत्र हैं। भगवान के ऊपर गुलाब भी चढ़ाया जाता है, अकौआ का फूल भी चढ़ाया जाता है। अक का फूल दुर्गंध देता है और गुलाब का फूल सुगंध देता है, किसकी यादगार है? है? कोई कन्याएं माताएं होती हैं ईश्वरीय सेवा में चारों तरफ खुशबू फैलाती है, ऐसी कन्याएं माताएं अर्पण कर दी जाती है, तो गुलाब का फूल हुई या कौआ का? गुलाब का फूल। कोई ऐसी कन्याएं माताएं अर्पण कर देते हैं कि परिवार में बहुत दुख दे रही है, अच्छा हटाओ इनको आश्रम में दे दो, सड़ी बचिया बामन को। अब जब परिवार में ही दुख दे रही है तो वहां जाकर के दुख देंगी सुख देंगी? है? दुख ही देंगी। लेकिन शंकर भगवान शिव भगवान तो ऐसे हैं कि चाहे आकाब और चाहे गुलाब आब, अच्छा भैया लाओ लाओ। ब्रह्मा कुमारियां ऐसा नहीं करती हैं क्या? वो अच्छे अच्छे फूल अर्पण करती हैं, है? कि खराब खराब 5 साल देखेंगे तब अर्पण करेंगे, फूल बन जाएगा तो अर्पण करेंगे, कांटा होगा तो छोड़ देंगे। और शिव बाबा कैसे हैं? कैसे हैं? उनके ऊपर अक का भी फूल चढ़ाया जाता है, गुलाब के भी फूल चढ़ाए जाते हैं। श्रावण मास में देखो शिवलिंग कैसा गुलाब के फूलों से सजाया जाता है, और उनके ऊपर धतूरे के फूल भी चढ़ाए जाते हैं। धतूरे के फूल देखे कैसे होते हैं? हाँ, लंबा छेद होता है, अब दुर्गंध छोड़ता है, ऐसों को भी अर्पण कर लेते हैं।
उनसे भी ईश्वरीय सेवा ले लेते हैं। तो ये फूल, ये फल, ये पत्ते किसकी यादगार है? हाँ, किसकी यादगार है? हाँ, अरे अरे इस समय के चैतन्य फूल पत्रों की बात है। सभा बैठी हुई होती है, सन्यासी जी प्रवचन करते हैं, है? पीछे से भगत लोग पका हुआ आम न्यू फेंके मारते हैं। ये लो, काई की यादगार है, है? आम जो है सब फलों में श्रेष्ठ माना जाता है, राजा माना जाता है, होता है कि नहीं है? होता है। तो ऐसे पके हुए फल वो भक्त लोग अर्पण करते हैं सन्यासियों के ऊपर, फेंक फेंक के मारते हैं। ये भी कहाँ की यादगार होगी? ये भी संगम युग की यादगार है। वहाँ सन्यासी सफेद कपड़े वाले बहुत ढेर बैठे हुए हैं, क्या बैठे हैं कि नहीं? हाँ, और ऐसे ऐसे पीवी केस बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी कन्याएं, अपनी बहनें और भांजियां वहां अर्पण की हुई हैं और बड़े प्यार से अर्पण की। तो सब यादगार हैं, कहाँ की है? यहाँ की यादगार है, वहां जड़ रूप में मनाते हैं, यहाँ चैतन्य रूप में। और बाबा, बाबा ने तो कहा बाहुबल नहीं चलाना, तो बच्चा लोग फिर बहुत तंग करते हैं बाहुबल ना चलाना। बाबा ने बता दिया, उनके हाथ पांव बंद, पीछे हाथ लो और पुरानी धोती फटी हुई से क्या रस्सी से नहीं बांधो, नहीं तो गरारा पड़ जाएगा। हैं, पुरानी फटी हुई सूती धोती से बांधो और पांव भी बांधो, ज्यादा शैतान हो, और कमरे में बंद करके डाल दो। बाबा ने कहा बांध लो, हाथ पांव बांध के डाल दो, और क्या करो, खाना मत दो। सुन रहे बाबा, इन लोग। हाँ, एक दो दिन खाना मत दो, अकल ठिकाने आ जाएगी, कान पकड़ दो, क्या मार। अगर शरीर का ही थोड़ा देना है, शरीर का ही भुगतान करना है, दंड देना है, तो क्या करो, हैं? कान पकड़ दो। ऐसे नहीं, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को क्या किया, आंखों में कीलियां घुसेड़ दी। ऐसा दंड देने वाला धर्मराज न बनना। बाबा कहते सिर्फ कान पकड़ दो, ज्यादा नहीं है। हाँ, और कान जोर से भी पकड़ सकते हैं क्या, है कि धीरे से पकड़ा जा सकता है? जोर से भी पकड़ सकते हैं, जोर से पकड़ेंगे तो काय निकल जाएगी। हाँ, पूछ रहे हैं कि गीता पाठशाला में सवेरे क्लास कै बजे रखना चाहिए? बोलो भाई लोग, बोलो कै बजे रखना चाहिए? अरे भाई लोग नहीं बोलेंगे तो माताओं से पूछेंगे, फिर पीछे रह जाओगे। हैं? 7 बजे? 5 बजे? क्यों? अच्छा, क्यों बाद में पूछेंगे? हाँ, माताएं बताओ, क्लास कै बजे रखना चाहिए? 5:30-6 बजे? कोई का कुछ और बोलना है? 5:30 बजे? अच्छा, अब भाइयों से पूछ रहे ये 6 बजे या 5 बजे क्यों रखना चाहिए, 3 बजे क्यों नहीं रखे? 2 बजे से अमृत वेला नहीं होता है? 2 बजे अमृत वेला होता है कि नहीं? तो 2 बजे क्यों ना रखे? भाई लोग जवाब नहीं दे रहे, फिर माताओं से पूछ रहे। हाँ, कन्याओं माताओं की सेफ्टी ये पहला धर्म है। क्या गीता पाठशाला का लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण बनना है और लक्ष्मी नारायण बनाना है। लक्ष्मी नारायण होते हैं 16 कला संपूर्ण संपूर्ण पवित्र। तो जब यही लक्ष्य है हमारा,
कि सारे विश्व को, खास भारत को और बाबा के बच्चों को पवित्र बनाना है तो लक्ष्य है। तो रात में वातावरण ठीक नहीं होता है, गुंडे उंडे चोर चकार चोर डकैत ऐसे फिरते रहते हैं, तो वो टाइम ठीक नहीं है। जब तक सवेरा ना होने लगे, झुटपुटा ना होने लगे, आदमी देखने में ना आए, क्या 10-15 मीटर की दूर का आदमी कम से कम देखने में तो आए, तो उस समय क्लास शुरू करना है। सर्दियां हैं तो देर में शुरू कर सकते हैं, देर में सूर्य उदय होता है, और गर्मियां हैं तो 1 घंटा पहले भी शुरू करते हैं क्योंकि दिन में दिन जल्दी शुरू हो जाता है गर्मियों में। बाकी रात में क्लास शुरू नहीं करना है, ऐसे ही शाम को 2 बजे तक बाबा के याद करना पड़ेगा। याद करो, घर में बैठ के करो, बाहर ना निकलो, न कन्याओं माताओं को बाहर निकलने दो, चाहे वो कम उम्र की माताएं हों, उनकी भी तो सेफ्टी करनी है, कन्या नहीं है तो क्या हुआ। ताला लगा के 10-10 दिन से जो है गायब हो जाए, कितने दिन के लिए, 9 दिन 8 दिन 5 दिन ऐसे करके, तो ऊपर शिकायत करो, गीता पाठशाला बंद करवा दो। तुम डरते काहे के लिए, डरपोक राजा के राज्य में रहोगे। चलो लिखित दिया वो बाबा के हाथ में दिया या वहाँ पहुँचाया, फरुखाबाद पहुँचाया, चलो किसी ने नहीं पहुँचाया होगा क्या, इसलिए जैसे कोई गलती कोई करता है, सख्त गलती है, मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं क्या है, अरे सुबह कहूँ काम पर जावा बाबा तब संध्या के खुला करना चाहिए, सुबह से संध्या को खुले होना चाहिए, मंदिर में ताला लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। हमने गीता पाठशाला खोली इस लक्ष्य से कि हम लक्ष्मी नारायण बने और दूसरों को लक्ष्मी नारायण बनाए, ऐसा पाठ पढ़ाए, तो शिव बाबा का मंदिर हो गया ना, उस मंदिर में ताला तो नहीं लगना चाहिए। किसी को निमित्त बना के बैठा दो, दूसरी माता को मैच्योर्ड माता को बैठा दो, अच्छा बूढ़ी माता को बैठा दो, वो बूढ़ी माता देखो बैठी है, हा? हा? उसका भाग्य बनने दो, तुम अपने घूमो फिरो भाई कहीं भी चले जाओ, है बूढ़ी माता का भाग्य बनने दो बेचारी का। बस हो गया टाइम, चलो आटा।